हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। नासिक कैम्ब्रिज स्कूल से टीचर वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जिसमें प्री प्राइमरी, PRT, TGT, PGT में वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड रहेंगे आवेदन करने के, बिल्कुल निःशुल्क आवेदन है, कोई फीस नहीं देनी है। जो बड़े स्कूल होते हैं जहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है, तो बहुत ही कम समय देते हैं आवेदन करने के। तो आज ही जो है वीडियो में, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर दें। 3 दिन का ही जो है इन्होंने समय दिया है। चलिए देख लेते हैं, वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान से जो है वीडियो देखिएगा। सबसे पहले जो है सेक्शन देखें, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल स्कूल एंड सेकेंडरी, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी, ऑल सेक्शन में वैकेंसी है। तो एक एक करके जो है सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। प्री प्राइमरी में होम रूम टीचर की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन ये मांग रहे हैं ग्रेजुएशन के साथ में ECCET आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और संस्कृत लैंग्वेज एडुकेटर की वैकेंसी है, तो केवल ग्रेजुएशन में आपने संस्कृत पढ़ी हो, केवल ग्रेजुएशन में, तो आप प्री प्राइमरी के लिए आवेदन करेंगे। प्राइमरी में जो है PRT में मैथ और साइंस की वैकेंसी है। मिडिल स्कूल एंड सेकेंडरी में TGT में बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स में वैकेंसी है, और TGT सोशल साइंस में वैकेंसी है, TGT इंग्लिश में वैकेंसी है, TGT कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है, डाटा साइंस एडुकेटर, ये पार्ट टाइम के लिए है, बाकी जो है फुल टाइम टीचर्स की वैकेंसी है। तो ग्रेजुएशन के साथ में BEd आपका होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने ये सब्जेक्ट तो पढ़ा हो। सीनियर सेकेंडरी में देखें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टैक्सेशन, ये पार्ट टाइम है, तो जिनमें पार्ट टाइम टीचर्स की वैकेंसी है तो उनमें लिखा हुआ है पार्ट टाइम, बाकी जिनमें नहीं लिखा है ये सब फुल टाइम टीचर्स हैं। सीनियर सेकेंडरी PGT फिजिक्स और मैथ्स में वैकेंसी है, तो यहाँ पर MSc BEd होना चाहिए। स्पोर्ट्स एडुकेटर और म्यूज़िक एडुकेटर की जो वैकेंसी है, तो स्पोर्ट्स में VPEd वाले अप्लाई करेंगे, और म्यूज़िक में जो है ग्रेजुएशन म्यूज़िक में आपका होना चाहिए। इन किसी भी जो है पोस्ट पर अगर आप आवेदन करते हैं, तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन के साथ में BEd आपकी TGT में, और मास्टर डिग्री के साथ में BEd आपकी PGT के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। इनमें सभी में जो है 5 साल का अनुभव आपका होना चाहिए, चाहे आप प्री प्राइमरी के लिए अप्लाई करें, प्राइमरी के लिए करें, मिडिल स्कूल एंड सेकेंडरी के लिए करें, सीनियर सेकेंडरी के लिए करें, तो इनमें जो है कम से कम 5 साल का अनुभव जो है आपका होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर तो 5 साल का अनुभव लिखा है होम रूम टीचर के लिए, PRT मैथ साइंस के लिए, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज एडुकेटर के लिए इन्होंने केवल लिख दिया है रेलिवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस, बस अनुभव होना चाहिए 1 साल का भले ही हो। उसके बाद जो है डाटा साइंस एडुकेटर जो कि पार्ट टाइम है, इसके लिए भी जो है एक्सपीरियंस बस होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि जो है 5 साल का ही हो। नेक्स्ट यहाँ पर स्पोर्ट्स एडुकेटर के लिए यहाँ पर फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, ये 3 जो है गेम्स हैं, ये ध्यान में रखना है। म्यूज़िक में ध्यान में रखना है कि तबला, सितार और फ्लूट है, ड्रम है, कीबोर्ड है, गिटार है, ठीक है। अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे, मेल करना है आप लोगों को अपना CV 3 दिन के अंदर। ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है hrnasikcambridge@gmail.com। प्लीज़ मेंशन अप्लाइड पोस्ट इन सब्जेक्ट लाइन ऑफ मेल, जब आप मेल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट लाइन में जो है अपना किस पोस्ट मैं किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये ज़रूर आपको मेंशन करना है। ये स्कूल है कहाँ, तो नासिक कैम्ब्रिज स्कूल नासिक, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, वाडला पाथर्डी रोड, इंदिरा नगर, नासिक, महाराष्ट्र। टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। ये जो है स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, और बाकी जो है स्कूल के बारे में आप जान सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी आप लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ जाने से पहले जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को लेनी चाहिए। यहाँ पर भी जो है आप अगर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे करियर सेक्शन है, इस पर क्लिक कर लें
और यहाँ पर अपना फुल नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन ईयर, कॉन्टैक्ट नंबर, योर ईमेल एड्रेस, योर एड्रेस, ठीक है, टीचिंग, नॉन टीचिंग या अदर किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं तो यहाँ पर जो अपलोड कर देंगे और सेंड कर देना है, ये भी आप कर सकते हैं। कोई फीस जो है आपको नहीं देनी है, बाकी जो है आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।